कॉलेज एंड सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग जो करनी है उसके दो पार्ट है, दो डिवीजन में कर रहा हूं। एक तो ये है कि टेक्निकल स्टेप्स क्या है, दूसरा ये है कि आपने की पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज नंबर एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेजर और माइनर वो क्या है, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे। टेक्निकल स्टेप्स जो डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल, आप अपना वेबसाइट खोलते हो पंजाब बीएड एडमिशंस डॉट ऑर्ग, यहां पर गए, आपका पेज ओपन हो गया, कैंडिडेट लॉगिन, आप ईमेल आईडी फिल की, पासवर्ड फिल किया और ये कैप्टचा ये जो आपने फिल कर दिया, इतनी बात है, ये आप करते आए हो और फिर आपने लॉगिन कर देना है। फिल कैप्टचा यहाँ है, जो आपको सिंबल्स दिए गए हैं एग्जैक्ट वही फिल करने हैं, वो फिल करने के बाद आप इसको लॉगिन कर दोगे। ये रहा, हमने फिल कर दिया और ये हमारा पेज खुल गया और यहाँ पर ये देखिए कि फिल एडिट प्रिंट चॉइसेस है, इसको क्लिक करना है और आपके सामने खुल जाएगा पेज, यहाँ पर आपने चॉइसेस फिल करनी है। इसकी इंस्ट्रक्शन को जरा समझ लें क्या क्या है। सबसे पहले है फिल योर चॉइसेस, इसको समझ लें क्योंकि इसके बेस पर जो सेकंड स्टेप है वो मैंने आपको बताना है कि प्रेफरेंस बनानी है, हमने प्रैक्टिकल बनाएंगे कैसे बनानी है। नोट, मैक्सिमम 10 चॉइसेस कैन बी फिल्ड, इट मींस आप एक भी फिल कर सकते हो, 10 भी फिल कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 1 से 10 तक, ठीक है। अगर आपको लगता है तो ये भी आपकी प्रेफरेंस है कि कितनी आपने फिल, तो ये हमने 10 चॉइसेस जो प्रेफरेंस बनानी है कॉलेज और सब्जेक्ट की वो लर्न करना है विशेष तौर पर इस वीडियो में। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक, नेचुरली है कि लोकेशन के मुताबिक, जरूरी नहीं है कि दूर जाना भी प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में मार्क्स ज्यादा दूसरी में कम ऐसा भी मामला है, वो फैक्टर मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किए। That is why आपको सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को सिलेक्ट कर लिया और मैंने कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अब कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ये टेक्निकल यहां तक मैंने बताना था, लेकिन अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं कि पहले आप जो ये कॉलेजेस और ये मेजर सब्जेक्ट है ना, मान लीजिए मैंने कॉलेज ये सिलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर सेलेक्ट कर लिया और मेरे पास ये ऑप्शन आ गए मेजर। अब अगर आपने कॉलेज और अपने मेजर साथ में एंड माइनर की लिस्ट बना रखी है तो ही ये टेक्निकल स्टेप को टच कीजिए। उससे पहले ये सुजेस्ट करता हूं कि आप अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट लिखकर बना लीजिए। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने दी है कि जब आप पिछली बार क्या होता था कि आप मेजर सब्जेक्ट फिल कर देते थे लेकिन जब कॉलेज जाते थे तो आपको हिंदी तो जी यहाँ है ही नहीं, आपको हिंदी चाहिए यहाँ पर है नहीं, वहां जाके पता चलता था, लेकिन यहां पर अब माइनर सब्जेक्ट ऑफर्ड इन सिलेक्टेड कॉलेज इंग्लिश मैथ्स फिजिकल साइंस एंड पंजाबी, ये सीट मैट्रिसेस में भी दिया गया है, तो ये नॉलेज साथ में दी गई है कि भैया आप मेजर ले रहे हो, अगर आपको माइनर इनमें से कोई चाहिए तो आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप 3 साल पढ़े हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हो और आपको उस कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, मैं बता रहा हूं अगर 3 साल पढ़े हो और इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हो तो माइनर को माइनर मत समझो, वो मेजर के इक्वल हो गया है, पक्का गवर्नमेंट जॉब के इक्वल हो गया है। दैट इज वाई आपको जब प्रेफरेंस बनानी है इस फैक्टर को ध्यान में रखना होगा कि आप माइनर की अवेलेबिलिटी को उस कॉलेज में देखोगे। तो ये थी यहाँ की जो टेक्निकल बातें, ऐसे क्या होगा कि आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर लिया, ऐसे मेजर जो है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स सिलेक्ट कर लिया है ना, तो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा कि पहला जो है आपका यहां है ऐड चॉइस, ठीक है, तो ये आपका यहां पर ऐड हो जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज मैथमेटिक्स
ओके तो आपको बटन दिया गया है रेड वाला डिलीट, अगर आप डिलीट करना चाहते हो आपकी चॉइस चेंज होती है। यहां पर मेंढक की तरह इधर उधर जाने की बजाय ये अच्छा है कि आप पहले वो लिस्ट तैयार कर लो। यहां तक मेरे ख्याल में समझ गए हैं कि हमने कैसे फिल करना है, डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं। आगे चल के मैं ये बताता हूं, क्या हमें 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनानी होगी या 10 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी होगी। तीन ऑप्शन है, इसको समझ लेना, यहां सभी गलती करते हैं। इसके अलावा आप लॉग और प्रिंट चॉइस फिल करते हो तब ये सारा कुछ हो जाएगा। अभी तक स्टेटस आपका चेक करते रहिए, चॉइसेस नॉट लॉक्ड येट, जब तक लॉक नहीं हुई आप चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल में इतना काफी है। इस तरह से आप दूसरा कॉलेज जहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जहां वही कॉलेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बाद में करके बताता हूं आपको, पहले हम ये देख लें कि सब्जेक्ट अब हमने सिलेक्ट करने कैसे हैं। ये मैंने ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट, तो वापस चलते हैं यहां पर। ये है फर्स्ट स्टेप, क्या है आपका आज से, अभी कितने दिन बाकी हैं, बहुत दिन बाकी हैं, तो तेजी नहीं दिखानी, हेस्ट मेक्स वेस्ट। ये फर्स्ट स्टेप है कि मेक ए लिस्ट ऑफ चॉइसेस और प्रेफरेंसेस, दो शब्द मैंने यूज किए हैं कि आपने लिस्ट बनानी है और रिटर्न लिस्ट बनानी है, ये भी पक्की बात है। लिस्ट में दो फैक्टर हैं पूछे गए आपको, दो, एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट बनानी है, नंबर एक, ये बात हो गई। दूसरा, कॉलेज कौन सा प्रेफर करना है। मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मेजर फिल करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन मैं अगर माइनर भी इक्वल, यहां इक्वल इसलिए डाला है कि मेजर और माइनर उन कैंडिडेट्स का इक्वल है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिनकी 3 साल वो सब्जेक्ट जिन्होंने माइनर पढ़ा है, मेजर भी पढ़ा है, मतलब कि माइनर किनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिन्होंने 3 साल पढ़ा है वो भी। फॉर एग्जाम्पल बीएससी नॉन मेडिकल की इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे मैथ्स जो है मेजर लिया, और जो केमिस्ट्री है, फिजिकल साइंस है, है ना, केमिस्ट्री है, ये भी 3-3 साल पढ़े हैं, ये दोनों बराबर हैं, यहां मेजर और माइनर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि ये पेडागोजी करके आप बीएड में आप उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, दूसरा किसके लिए, माइनर नहीं इंपॉर्टेंट, इफ लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस और जनरल, देन माइनर मे लेस इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये 3 साल नहीं पढ़ा, मान लीजिए आपने 2 साल पढ़ा है या 1 साल पढ़ा है माइनर वाला सब्जेक्ट, कोई भी केस टू केस वेरी करेगा ना, तो फिर आपके लिए ये लेस इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि आप ये बी एड करने के बाद इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको एडिशनल कुछ करना पड़ेगा ग्रेजुएशन का नॉर्मल। दूसरी बात कि अगर ये सब्जेक्ट आपने इलेक्टिव नहीं पढ़े, जनरल पढ़े हैं, जनरल कौन से थे, जनरल आपकी जनरली इंग्लिश होती है, कोई लैंग्वेज होती है, या पंजाब में पंजाबी, तो ये इंग्लिश और पंजाबी करके जनरल के बेस पर 3 साल बेशक पढ़े हैं, लेकिन ये जनरल है, इलेक्टिव नहीं है, दैट इज वाई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं बनते। दैट इज वाई आप प्रेफर करोगे जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनको भी प्रेफर करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब हम चूज करने हैं, आपका पर्पस क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या, क्या गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करना चाहते हो, ये भी सोचना है, सेंट्रल या स्टेट की दोनों की वो डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी में फर्क है ना। अगर आपका पर्पस ये है, ये बात सर, ये अंडरलाइन कर लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका पर्पस गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको किसको प्रेफर करना चाहिए, सब्जेक्ट को या कॉलेज को, एक कॉलेज नजदीक है, दूसरा लेकिन उसमें वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप जॉब अवेलेबिलिटी के लिए अच्छा है, 3 साल पढ़ा है, है ना। मान लीजिए कि ये यहां पर फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री पढ़ी है, है ना, तो ये इनका मेजर साइंस भी बनता है, ठीक है, माइनर भी साइंस बन सकता है, मैथ साइंस, साइंस मैथ दोनों ही बन सकते हैं, तो एक कॉलेज ऐसा है जिसमें साइंस है नहीं, आपने प्रेफरेंस इसकी जॉब ज्यादा निकल रही है, तो उसमें साइंस नहीं है, मान लीजिए उसमें लाइफ साइंस है, ठीक, तो अब आपके लिए दुचित्ती है कि क्या आप उस कॉलेज को प्रेफर करोगे और लाइफ साइंस ले लोगे, सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करोगे, या दूसरा कि आप साइंस को प्रेफर करोगे, इसके अगर यहां कॉलेज में नहीं मिला, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज की एग्जाम्पल लेके चलूंगा, वहां नहीं मिला तो आप कॉलेज चेंज करोगे, सब्जेक्ट नहीं चेंज करोगे। जिनकी जॉब गवर्नमेंट जॉब जो लोग चाहते हैं, कैंडिडेट चाहते हैं,
उनको अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस बनाए रखनी चाहिए। एक नहीं, मेजर नहीं, माइनर भी हो सकता है कि जो कॉलेज आपको बेस्ट मिला है साइंस तो उसमें मिल गया, लेकिन माइनर वो जो 3 साल आपने पढ़ा है, मान लीजिए ये साइंस आपको मिल गया, आप साथ में मैथ्स लेना चाहते हो और मैथ्स 3 साल आपने पढ़ा है और इलेक्टिव है, अगर आप पेडागोजी और मैथ लेते हो बीएड में, आप एलिजिबल बन जाओगे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उस कॉलेज में अगर माइनर वो नहीं है, दैट वहां आपको वो कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। ये गाइडेंस हमारे मिस होती है। हम जनरली क्या करते हैं, हम क्योंकि लड़कियां मोस्टली होती हैं तो कॉलेज को प्रेफर किया जाता है, कोई बात नहीं साइंस नहीं मिला जी लाइफ साइंस दे दो, नहीं लाइफ साइंस नहीं मिला फिजिकल साइंस दे दो, फिजिकल साइंस नहीं मिला चलो फिजिकल साइंस और पंजाबी दे दो, फिजिकल साइंस ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश दे दो। अब ऐसे कॉम्बिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको बी एड के बाद आप एलिजिबल लगभग नहीं रहते। तो दैट इज वाई ये आपने सोचना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करना चाहते हो तो आप अपने सब्जेक्ट को चिपक जाओ, जो बेस्ट प्रेफरेंस के वीडियो दिए हैं उनसे चिपक जाना है। अगर आपको है कि कोई ऑर्नामेंटल डिग्री है, बीएड लेनी है, लड़की की शादी हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो बात डिफरेंट है, फिर कुछ भी लोकेशन मतलब नजदीक का ही प्रेफर करोगे तो फिर भी ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। दूसरा है, आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी टीचर के कॉम्बिनेशन कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर साइंस का कॉम्बिनेशन जो है वो कम कॉलेज में होगा, लेकिन लाइफ साइंस फिजिकल साइंस का ये ज्यादा कॉलेजेस में होगा। तो दैट इज वाई अगर आप साइंस प्रेफर करना चाहते हो और उस कॉलेज में साइंस नहीं है तो नेचुरली है कि आप कॉलेज शिफ्ट करोगे, साइंस को शिफ्ट नहीं करोगे। दूसरा, अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हो, मतलब लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस प्रेफर कर रहे हो, तो इसके इस कॉलेज में भी था लाइफ साइंस, इसके में भी, इसमें भी, तीनों में आपके में मिल गया, तो नेचुरली है कि यहां पर आपको ऑप्शन पीजीटी के लिए ज्यादा मिल जाती है। तो आगे चल के देखते हैं। इसके अलावा जनरल और इलेक्टिव की बात हो चुकी है कि इलेक्टिव को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि इलेक्टिव के बेस पर आप जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ये बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट है कि जब चॉइसेस फिल करनी है, कितनी फिल करनी है, मैक्सिमम 10 कैन भी था ना, मैक्सिमम 10 है, मतलब आप 1 से 10 तक फिल कर सकते हो। दो चीज है फिल करनी, कॉलेज भी और सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट कौन सा, मेजर है ना, माइनर आपने नहीं फिल करना, ये वो कॉलेज ने देखना है। आपने अभी ये देखना है कि जो मैं माइनर लेना चाहता हूं क्या उस कॉलेज में है जिसमें मैं मेजर फिल कर रहा हूं, ये बात जरूरी है। अब आपको ये सोचना है, ये भी पॉसिबल है कि आप एक कॉलेज में ही 10 प्रेफरेंस चाहिए ना, ये होगी प्रेफरेंसेस या चॉइसेस 10 हो गई है ना, 10 कैसे हो सकती हैं, एक कॉलेज में ही आपके 10 कॉम्बिनेशन बनते हो, ये पॉसिबल है। अभी जाके एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, आगे भी यही एग्जांपल, जीपी जनरल पंजाबी और जनरल इंग्लिश पढ़ी है ना, तो आपका एक बन गया मैथ और साइंस का, एसएससी का और मैथ का एक बन गया ये, दूसरा बन गया मैथ और फिजिकल साइंस का, तीसरा मैथ और लाइफ साइंस है, तो फिजिकल भाई बन रहा है, अगला बन गया साइंस और पंजाबी का, साइंस और इंग्लिश का, अगला बन गया फिजिकल साइंस और पंजाबी का, फिजिकल साइंस ऑफ इंग्लिश का, तीसरा बन गया मैथ्स और पंजाबी का, मैथ्स और इंग्लिश, इतने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल ये नहीं है, इसको आप मत लीजिए, ये मेरी सुजेशन है। अगर आप चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है कि एक कॉलेज में ही 10 के 10 आप फिल हो जाए, अगर जिनके ऐसे कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं, जिनके नहीं बनते उनको तो ये नहीं करना चाहिए कि कॉलेज एक रहे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करता रहो। मैंने क्या सुजेशन दिया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक रहे, एक नहीं तो 2 या 3, जहां 2 या 3 ये कॉम्प्रोमाइज आपने करना है, 10 तक मत जाइए, 1 या 2, यार ये 2 मैं 3 तक मैं लेना चाहता हूं मेजर, और उसके लिए आप 10 कॉलेज भी फिल कर सकते हो, मतलब कि एक सब्जेक्ट से चिपक गए। फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैं साइंस मैथ्स ही लूंगा, तो आप 10 डिफरेंट कॉलेज में फिल कर रहे हो। दूसरी तरह ऐसे ऑप्शन फिल होनी है। तीसरी तरह
कि आपने ये ऐसे जैसे पहले बताया था कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये एक दो और तीन, फॉर एग्जांपल साइंस मैथ्स और मैथ फिजिकल साइंस, मैथ फिजिकल साइंस एंड मैथ लाइफ साइंस, अगर बनता है तो ऐसे प्रेफरेंस बना ली, ये तीन में मैंने फिक्स रहना, इससे बाहर नहीं जाना, यही डिसीजन लेना है। ये वीडियो जो बनाई थी इन इनके लिए बनाई थी, ये वीडियो अब ब्रॉडर होगी क्योंकि कॉलेज आपकी इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करेगा जो आपने सोच रखे थे। अच्छा, अब क्या है कि आपने अगर ऐसे तीन सोचे है ना, तो आप मेरे ख्याल में दो या तीन कॉलेज में या चार कॉलेज से इंटरेक्शन करके, ये साइन इंटरेक्शन का है कि पहले कॉलेज सॉरी एक दो तीन, पहले कॉलेज में पहला कॉम्बिनेशन, पहले कॉलेज में दूसरा कॉम्बिनेशन, पहले कॉलेज में तीसरा कॉम्बिनेशन, ऐसे दूसरे कॉलेज में पहला कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉलेज में दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉलेज में तीसरा कॉम्बिनेशन, तीसरे कॉलेज में फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तीसरे कॉलेज में सेकंड कॉम्बिनेशन, तीसरे कॉलेज में थर्ड कॉम्बिनेशन, ऐसे भी आप ये वाला सेकंड है, इसको मैं प्रेफरेंस नहीं देता, वैसे आप दे सकते हो, इसको ज्यादा दे रहा हूं। अगर आप साइंस से पक्का जॉब से चिक में हुए तो आपके लिए ये बेस्ट। अब वो कंफ्लिक्ट क्या है, साइकोलॉजी में कंफ्लिक्ट किसको बोलते हैं, जो इनडिसिसिव स्टेट ऑफ माइंड हो, आप डिसीजन लेना, चॉइस करनी डिफिकल्ट हो जाए कि शुड आई प्रेफर कॉलेज और सब्जेक्ट और फीस और क्वालिटी, जो फैक्टर मैं पीछे गिना के आया हूं सभी में कंफ्यूज हूं यार, मैं क्या करूं, ऐसे नहीं करना, प्रेफरेंस बनाओ, खुद बनाओ, डिस्कस करो लेकिन खुद बनाओ। जिंदगी में हर वक्त हर रोज हर सेकंड में चॉइस है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं डायरेक्टिव काउंसलिंग में कि आप सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफर करो जिससे आपकी जॉब अवेलेबिलिटी, जॉब एलिजिबिलिटी, जॉब रिक्रूटमेंट ज्यादा बनती है। ये मैंने साइन लिखा है कि इसको ज्यादा प्रेफर कीजिए। अब आगे चलते हैं, ये बात हो गई कि 10 चॉइसेस कैसे कैसे फिल की जा सकती है। नेक्स्ट है कि अब हमने लिस्ट बनानी है, हमारे पास कॉलेज है नंबर एक, यस कॉलेज आ गए। दूसरा है आपने लिस्ट ऑफ कॉलेज बना रखी है कि यार ये कॉलेज, उसकी सीट मैट्रिसेस देख ली है, ठीक है। अब जो चॉइस फिलिंग है वो ओपन करके जैसे मैं दिखा के आया हूं, माइनर सब्जेक्ट मेजर दोनों ही वहां से नोट करने हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम बीएससी नॉन मेडिकल की, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है, जनरल इंग्लिश पढ़ी है, जनरल पंजाबी पढ़ी है, पांच है। तो अब इन्होंने चॉइस क्या करनी है, अकेला मेजर या माइनर, नहीं दोनों ही देखें। तो पहली चॉइस मान लीजिए मैं यहाँ जलंधर में हूं और गवर्नमेंट कॉलेज मेरे पास है, नेचुरली है कि फीस वहां 40,000 के करीब है, मैं वो प्रेफर करूंगा अगर आप चाहते हो। अगर आपका आपकी यही आ गया यार मैं इतना ज्यादा जा नहीं सकता, गवर्नमेंट कॉलेज में 100% आपको पूरी अटेंडेंस देनी पड़ेगी, ये बात सत्य है। अच्छा, तो वो फैक्टर आते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के, यार मेरा ट्यूशन है, मेरा छोटा बच्चा है, थोड़ी एडजस्टमेंट कर लोगे तो प्राइवेट कॉलेज कर लेते हैं, गवर्नमेंट शायद कर लेते हो, ह्यूमन बीइंग ही है वहां भी। तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया और बेस्ट कॉम्बिनेशन आपने क्या निकाला, जैसे मैं पीछे गाड़ी करके आया हूं वीडियो में, आपने इनके दो के बेस पर साइंस बना लिया और ये भी आपने तीन साल पढ़ा है, आपका बन गया साइंस मैथ या मैथ साइंस, कोई भी मेजर या माइनर हो सकता है अगर आप इससे चिपके हुए हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि यार मैं ना पीजीटी के बारे में सोच सकता हूं, एक नेक्स्ट मेरा क्या हो सकता है, एक आपका क्या बन गया अब साइंस मैथ्स, ये मैंने लिख दिया, यहां लिख देता हूं मेजर, आपने मेजर साइंस लिख लीजिए या मेजर मैथ लिख लीजिए, मोस्टली अवेलेबल होते हैं, और ये हो गया मैथ्स साइंस। तो दूसरा आप ये सोच रहे हो कि यार अगर ये नहीं मिलता तो मैं फिजिकल साइंस की करने को तैयार हूं, फिर आपने कौन सा ले लिया, हम ऐसा करते हैं यहां पर मैथ्स ही लिख लेते हैं, चलो यहां पर मैथ्स भी लिख सकते हैं। फिर आपने क्या किया, अगर ये लेना चाहते हो आपको दूसरा बन गया मैथ्स, मैथ्स को मेजर लीजिए और फिजिकल साइंस, ये क्यों दो कॉम्बिनेशन बनाए, ये बेस्ट है नो डाउट, जॉब अवेलेबिलिटी इसके लिए पीजीटी पीजीटी और ये भी टीजीटी है ना, इस कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, ये टीजीटी है लेकिन ये पीजीटी के लिए नेचुरली, अगर आपने इसकी मास्टर डिग्री की है तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बेस्ट है। तो ये दो कॉम्बिनेशन आपने कहा कि मैं ये रखूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा, कोई हो सकता है तीसरा भी ये बना ले कि यार इससे अगर आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मैथ्स को नहीं छोड़ूंगा, मैथ्स को नहीं छोड़ूंगा, मैथ के साथ इंग्लिश ले लूंगा। अब ये क्यों वीक बना, ये आपका टीजीटी बन रहा है
लेकिन इंग्लिश आप नॉट एलिजिबल हो। क्यों? आपने इलेक्टिव इंग्लिश नहीं पढ़ी, इलेक्टिव इंग्लिश का आपको एडिशनल देना पड़ेगा। देखा, जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं हमारी वीकनेस पता चल रही है। ऐसे हम बनाते नहीं है, ऐसे ही बीएड कर रहे हैं मोस्टली। आप देख लेना जितनों ने बीएड किया है उनको खुद को नहीं पता कि यार वो एलिजिबल ही नहीं है। अब क्या है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिया, अब गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, वहां गवर्नमेंट कॉलेज में, चलो यही बता देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आप गए, गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस है ही नहीं, वहां लाइफ साइंस है या फिजिकल साइंस है, तो मैथ्स है। अब ये कॉम्बिनेशन वहां मिल रहा है, मतलब क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, अब आप गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ोगे या आप सब्जेक्ट को छोड़ोगे, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप यही चाहते हो मैंने साइंस मैथ्स ही चाहिए, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से नेक्स्ट में इसके लिए नेक्स्ट कॉलेज आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर है। ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इस कॉलेज की मैक्सिमम मेरिट्स और आज तक जो टॉप पोजीशंस आती रही हैं, नो डाउट मतलब एक गुड एक्सपीरियंस इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका रहा है, एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक भी। तो आपने ऐसे का अगर कॉलेज सेलेक्ट करते हो, आप कोई और भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप देख रहे हो कि यार कॉलेज छोड़ के आपको यहां पर क्या मिल रहा है, हम देखेंगे यहाँ इस कॉलेज का, ये साइंस मैथ्स ये भी मिल रहा है, दूसरा मैथ और फिजिकल साइंस भी मिल रहा है, और आपका तीसरा जो है मैथ्स और इंग्लिश भी मिल रहा है। वैसे इनोसेंट में सारे मिल रहे हैं, इंग्लिश में जितने मैं बना के आया। ऐसी एग्जांपल यहाँ हो सकती है, आप इनोसेंट से अगर चिपके हुए तो यार मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है जहां ये मुझे अच्छा लगता है कॉलेज, तो आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो। पर मेरी सुजेशन है कि आप सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत ज्यादा। अब इस जो है सिचुएशन है, ये केस है, इसमें आपका जो मैक्सिमम आपको चिपके किसके साथ रहना चाहिए, इन तीनों को, क्योंकि ये तीन साल पढ़े हैं और इलेक्टेड, इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी सिचुएशन है, यहाँ शिफ्ट करते हो वहां शिफ्ट करते हो। आइए, ये एक चॉइस यहाँ हो गई आपकी फिर, ठीक है, ये नहीं हुई फिर, ये क्रॉस हो गया, ये आपने आप लिस्ट बन रही है, ये लिस्ट में मैंने बना रखा है लेकिन कॉलेज में नहीं मिला, तो दूसरा आपका ये मिल गया। आपने पहला क्या फिल किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैथ्स एंड फिजिकल साइंस, तो दूसरा आपने अगर यहाँ जाना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज मैथ्स एंड इंग्लिश। इससे आगे अगर आप ये दोनों प्रेफर नहीं करना चाहते, पहले प्रेफरेंस यहाँ, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में रहना है, इट मींस आपने इसकी कुर्बानी दे दी है, ये बात समझ लो, ये कि साइंस मैथ अब मैंने पक्का छोड़ दिया है। अगर आपने पक्का नहीं छोड़ना, एक ट्राई करनी है, नेक्स्ट कॉलेज में जाइए, मतलब आपकी प्रेफरेंसेस यहाँ से शुरू होगी, इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई साइंस और मैथ, दूसरी बन गई मैथ्स और फिजिकल साइंस, तीसरी बन गई मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, यहां तक मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, इसके बाद मैं कॉलेज शिफ्ट करने को तैयार हूँ। तो नेक्स्ट एमजीएन कॉलेज, उसमें भी ये तीनों मेरे ख्याल में अवेलेबल है, मैंने देखे तो हैं। फिर यहाँ पर हो गए, ये हो गया इनोसेंट्स के तीन, ये एमजीएन के तीन, चार पांच छह, साइंस मैथ्स, मैथ फिजिकल साइंस, है ना, मैथ्स इंग्लिश, है ना। अगर आप आगे जाना चाहते हो लायकपुर खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लेकिन वो वुमेन कॉलेज है, ये मैं सिटी के जो अच्छे कॉलेज हैं उनकी ही लिस्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे आपने लिस्ट पहले बना के रखनी है, जिसमें आपका कॉलेज, उसमें कौन से कॉम्बिनेशन के लिए मैं हूँ, माइनर का भी बना रहा हूँ, लेकिन माइनर के लिए प्रेफरेंस किसको दे रहा हूँ, जो तीन साल पढ़े हैं और इलेक्ट। तो ऐसे आपने लिस्ट तैयार कर लेनी है। ये लिस्ट तैयार करना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक दो तीन चार दिन ले लो, एनालिसिस करो, कंफ्यूज ना हो, मेरे से क्वेश्चन पूछो, फोन नंबर भी दे दूंगा, ऑनलाइन क्लास ले लूंगा अगर आप कहोगे तो, मतलब कंफ्यूज मत हो, आपके दो साल और जॉब का सवाल हो सकता है, जो डेडिकेटेड है नेचुरली ये उनके लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं जो लिस्ट हमने बना रखी है, पेपर पर लिस्ट बना लेना बार बार, ये कह रहा हूँ अच्छे रहोगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का बनाया था ये कॉलेज मैंने, अगर मैं सब्जेक्ट से चिपका हुआ हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ नहीं फिल कराऊ, अगर मैं कॉलेज से ट्राई करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा जैसे लिस्ट बनाई थी, तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज की एग्जांपल दे देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये आप गए,
और यहाँ पर ये गए सिर्फ मेजर सब्जेक्ट आ गए, ये माइनर रहे, आपने मैचिंग कर लेनी कौन सा मुझे चाहिए, आपका फिजिकल साइंस आप प्रेफर कर रहे हो, और यहाँ पर साइंस ये नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर है, फाइन है, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस और सोशल स्टडी है, तो आप मैथ्स को प्रेफर कर रहे हो उसके साथ फिजिकल साइंस को करोगे, ये मैथ आपने फिल कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एड चॉइस, इसको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद ये आपकी आ गई जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, फिर आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट आपका आ गया कॉलेज क्या आंसर है, अगर आप फिर कॉलेज ट्राई करना चाहते हो गवर्नमेंट में, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट में अब क्या कर सकते हो, आपके पास ये फिल किया है आपने मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स के बाद आप दूसरा फिजिकल साइंस का फिल कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने फिजिकल साइंस अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो, ये रहा गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप ये चले गए, यहाँ पर फिजिकल साइंस, अब आप रिस्क में हो, अगर आपने इसकी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की अगर आपने, तो आप पीजीटी के लिए ना टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आपकी बीएड हो गई लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें है ऑलरेडी की हुई है फिजिकल साइंस केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कीजिए, क्योंकि बाहर निकलते ही आप सिर्फ पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, अगर आप पीजीटी के लिए नहीं जाना चाहते टीजीटी के लिए हो, आपको टोटल गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, यहां सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आपने फिजिकल साइंस कर दिया, फिजिकल साइंस के साथ बाद में मैथ्स वहां जाके भी ले सकते हो है ना, जहां इंग्लिश पंजाबी कई ऑप्शन ऐसे बन जाती है वो कॉलेज ने देनी है ये वाली, ठीक है, तो ये एड चॉइस, ये यहां मैंने एग्जाम्पल दे दी कि दो गवर्नमेंट कॉलेज आपने फिल कर लिए है, थर्ड ये मैं क्या करना हूं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, और ये मैंने सेकंड क्या किया था इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये रहा इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, क्यों इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, जलंधर में इसकी मैक्सिमम एकेडमिक पोजिशन है और बड़ा अच्छा एनवायरमेंट यहाँ का गिना जाता है, सीट्स बहुत कम है यहाँ पर, और ये ऑप्शन काफी अवेलेबल है, ये देख सकते हैं यहाँ पर अब साइंस अवेलेबल है ना, मैथ्स भी अवेलेबल है, यहाँ भी साइंस अवेलेबल है, कोई भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए साइंस अवेलेबल है, मेजर में भी माइनर में भी, तो ये रख लिया हमने साइंस, यहाँ पर साइंस मैथ्स भी ले सकते हो, तो इसके बाद आपने एड चॉइस में कर दिया एड, नेक्स्ट आप फिर यही कॉलेज करना चाहते हो, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कर ली, ये हमने कर लिया फिर इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और ये फिल कर दिया सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अब आपके लिए ज्यादा ऑप्शन होगी, क्या आप मेजर फिर नहीं छोड़ रहे, ये 3 साल वाला है, आप बहुत ज्यादा सेफ हो गए हो, मैथ्स के साथ कर दिया कि वहां जाके मैं मैथ्स में सीट थी साइंस में नहीं थी, मान लीजिए साइंस वहां माइनर मिल ही जाना है, माइनर मिल जाएगा, माइनर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात को समझ लीजिए, इस लिस्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये मैंने पहले साइंस फिल किया है ना, क्यों जहां पर ऑप्शन ज्यादा है वो कॉलेज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज या गवर्नमेंट जॉब वाइज क्यों अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करना है तो आपको ये करना ही होगा, ये मैथ्स आ गया, मैं ये क्या कहना चाहता हूं इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये साइंस है, जाके आपने मैथ्स ले लिया पक्का मिल जाएगा मैथ्स, पक्की बात है, अगर यहां मैथ साइंस की सीट्स खत्म हो चुकी थी, मान लीजिए आपने नेक्स्ट फिलिंग वही उसी कॉलेज की इनोसेंट हार्ट्स की हुई है मैथ्स की, तो आपको माइनर साइंस मिल ही जाएगा, देखिए आप कितने ज्यादा सेफ हो गए कि दोनों, ये क्यों ये टीजीटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल, टीजीटी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप दूसरा करना चाहते हो जैसे यहाँ फिजिकल साइंस आपने रखा है, अगर वहीं रहना चाहते हो आप तो नेक्स्ट है आपके लिए, ये रहा फिर आई आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कॉलेज, ये रहा इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज, और ये रहा सब्जेक्ट कौन सा, साइंस भी हो गया मैथ्स भी हो गया, और मुझे फिजिकल साइंस चाहिए, फिजिकल साइंस ये रहा, ये फिजिकल साइंस आ गया, यहाँ इधर किया आ गया एड चॉइस, क्लिक किया ऐसे प्रेफरेंस फिल कर, ये देखिए पहली मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऐसा है, अब यूनिवर्सिटी चेंज करके कोई और भी पढ़ सकते हो, दूर भी जा सकते हो, ये सिर्फ जलंधर के बिल्कुल करीब के कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अब इसका एनालिसिस करके बता दूं दोबारा से कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपने मैथ्स अगर मिल जाता है तो आपको माइनर अच्छा नहीं मिल रहा, ये अच्छा नहीं मिल रहा, यहाँ वीक है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अगर दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज में रह के कर रहे हो, अब फिजिकल साइंस मिल रहा है पीजीटी के लिए है,
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो तो फिर तो बहुत ही आप माइनर और मेजर किसी में नॉट एलिजिबल, यहां भी एलिजिबल नहीं यहां भी एलिजिबल, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है आप खुश हो, जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपने कॉलेज शिफ्ट कर लिया प्राइवेट में आ गए, आपको साइंस की ऑप्शन मिली है साथ में मैथ्स मिल रहा है, ये बेस्ट बना है ना आपका, यहां भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो क्योंकि 3 साल पढ़ा है, यहां भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ये बेस्ट हो गया। अच्छा यहां ज्यादा ऑप्शन है कि साइंस की सीट कम सी फिल हो गई और मैंने अगला मैथ्स फिल किया है तो माइनर जाके मैं साइंस ले सकता हूं, ले सकती हूं, तो ये भी यहां मेंटेन रहा टीजीटी, यहां टीजीटी। ओके तो नेक्स्ट आपने फिजिकल साइंस किया है, ये देखिए देखिए ध्यान से देखिए कितना फायदा है, यहां फिजिकल साइंस के साथ आपको यहां पर जाके हो सकता है साइंस भी मिल जाए, फिजिकल साइंस के साथ साइंस भी मिल जाए जो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नहीं मिला था, ये और एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ठीक, और ये अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो आप एलिजिबल, ये कॉलेज चेक करेगा, और दूसरा फिजिकल साइंस के साथ मैथ्स भी ले सकते हो, तो जहां जिस कॉलेज में माइनर बहुत ज्यादा अवेलेबल है मेजर भी ज्यादा अवेलेबल है वो आपको बहुत वैरायटी, इसके अलावा फिजिकल साइंस के साथ मैथ्स आपका हो गया, अच्छा आगे चल के आप ऐसे कॉम्बिनेशन इसके जितने ज्यादा बनते हैं आपके आप उतने ज्यादा फिल कर सकते हो, कर लीजिए कि आपको साथ साथ में फीडबैक मिल रही है कि कितनी चॉइसेस आपकी फिल हो चुकी है, स्टेटस चॉइस नॉट लॉक्ड यस, जब तक आपका ये लॉक नहीं हुआ यहां से लॉक होगा तो आप सेफ हो, आप कुछ भी डिलीट चेंज मूव अप डाउन कर सकते हो, दैट इज वाई आप कागज पर फाइनल करके यहां पर फिल कीजिए, लास्ट टाइम भी आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन आप यहां से पक्का कर लीजिए कि मैंने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, कितनी देनी है, कॉलेज को देनी है कितनी देनी है, लिस्ट को लिस्ट से चिपके रहिए, उससे पहले एनालिसिस करते रहिए, कहते हैं कि आपने जो पूरा गुरु है ना स्पिरिचुअल टीचर या परफेक्ट टीचर फाइंड आउट करना है ना, तो उसको अपनाने से पहले उसकी जितनी मर्जी परीक्षा लो लेकिन जब उसको अपना लिया तो कोई परीक्षा नहीं, टोटल समर्पण टोटल श्रद्धा। तो ये रहे आपके, यहां से आपका लॉक हो जाएगा और आप सबमिट कर देते हो जब, उसके बाद प्रिंट लीजिए और तसल्ली से बैठ जाइए, फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लगता है ये मेरा गलत फील हो गया, शिफ्टिंग है और भी कई ओपन हो जाती है लास्ट में, डोंट वरी आपको जो चाहते हो लगभग वो मिल जाएगा, तेजी मत दिखाइए, कागज पर नोट कीजिए, प्रेफरेंस कल परसों चौथ चेंज हो सकती है, आप डिस्टर्ब हो सकते हो, ऑनलाइन अगर क्लास चाहिए तो मुझे एक बार सुजेस्ट करो, दूसरा है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर फोन पर जरूरत पड़ी तो फोन मैंने दिया भी है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का फोन भी दिया हुआ है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, केस टू केस काउंसलिंग कर सकते हैं, सकते हो, ऑनलाइन अगर क्लास चाहिए तो मुझे एक बार सुजेस्ट करो, दूसरा है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर फोन पर जरूरत पड़ी तो फोन मैंने दिया भी है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का फोन भी दिया हुआ है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं।